हेलो, स्वागत है आपका लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक चौरसिया आज आपको स्कॉलरशिप के बारे में बहुत समय बाद जो नई अपडेट आई है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जनवरी में ही लास्ट टाइम जो भी अपडेट आई थी वो हमने दिया था। करेक्शन का जो भी आया था, विभिन्न छात्रों का अलग अलग जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आया था उसका हमने सोल्यूशन भी बताया था वीडियो में, और सभी को काफ़ी हेल्प भी मिला था। और उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, और मेन इस समय ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा था कि स्कॉलरशिप में उनके जो करेक्शन है उन्होंने जमा कर दिया था फॉर्म को, बट उनके अभी तक करेक्शन सही नहीं हुए हैं। और बहुत से छात्रों का यह भी एक आया था डाउट कि दूसरे कॉलेज के जो छात्र हैं उनका सही हो गया है करेक्शन अब तक, लेकिन अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में सही नहीं हुआ। इसके बारे में लेकर के हमने पता किया, तो आपको बता दें मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में, मैंने जो छात्रवृत्ति विभाग है अपने लखनऊ विश्वविद्यालय का, हमने वहाँ पता किया तो उन्होंने यही बताया कि जो भी आपने करेक्शन का फॉर्म जनवरी में सभी ने सबमिट किया था, तो बहुत कम से कम हजारों में तो फॉर्म है सभी के, तो सभी फॉर्म समाज कल्याण विभाग जब भी मांगता है तो वो फॉरवर्ड करी जाती है, और वो फॉरवर्ड करने से पहले बहुत से एक मतलब प्रोटोकॉल से गुजरता है, यानी कि बहुत से अधिकारियों का उस पर सिग्नेचर होता है, इसमें प्रोसेस हो जाता, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो उन्होंने बोला कि कार्य जो भी है अंडर प्रोसेस चल रहा है, समाज कल्याण विभाग जब भी लखनऊ विश्वविद्यालय का जो भी करेक्शन का जो फॉर्म था वो जब भी मांगेगा तो लखनऊ विश्वविद्यालय सभी अधिकारियों से सिग्नेचर करा करके उन्हें समाज कल्याण विभाग लखनऊ को फॉरवर्ड करेगा। एक चीज उन्होंने बताया कि इस कार्य को लेकर के जो भी जिनका भी करेक्शन था जो अभी तक सही नहीं हुआ है, तो जो भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उनके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के करेक्शन जो भी अंडर प्रोसेस वर्क चल रहा है समाज कल्याण विभाग, जैसे ही आपके जैसे फॉर्म मांगेगा लखनऊ विश्वविद्यालय से तो लखनऊ विश्वविद्यालय उन सभी फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा, और फॉरवर्ड करने से पहले बहुत से विभिन्न अधिकारियों से सिग्नेचर और वेरीफाई कराना होता है, इसीलिए अभी समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन होगा ये कब तक या कब तक, तो कब तक का था इजेक्ट उन्होंने डेट नहीं बताया, क्योंकि इसके इजेक्ट डेट तो समाज कल्याण ऑफिस ही बता सकता है कि जैसे ही वो लखनऊ विश्वविद्यालय का नंबर आएगा तो यहाँ पे वो नोटिस निकालेंगे और वो जो भी करेक्शन का फॉर्म है वो मंगा लेंगे और आगे अपडेट करेंगे, तो इसमें अभी समय लगेगा। अगर देखा जाए स्कॉलरशिप कब तक आ सकती है, तो जो ऑफिशियल जो आया था डेटा टाइम टेबल आया था समाज कल्याण ऑफिस का तो मार्च में आया था, तो आपको बता दें कि लास्ट ईयर भी जो टाइम टेबल आता है ना स्कॉलरशिप का उस टाइम टेबल में थोड़ी सी लेट होती है। टाइम टेबल में यदि लिखा है कि फरवरी में ये चीज हो जानी है तो उसमें आप मानकर चलिए 20 दिन जोड़ दीजिए, थोड़ा समय लगता ही है, तो टाइम टेबल में लिखा था कि मार्च में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएंगे, बट इतना मान के चलिए कि आप मैं मान के चलिए मार्च लास्ट या अप्रैल तक आ सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा लगता है अभी अभी तक तो करेक्शन ही सही नहीं हुआ है, और उसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया, हजारों फॉर्म है और उन सभी को मतलब समाज कल्याण ऑफिस भेजा जाएगा जब भी समाज कल्याण ऑफिस मांगेगा विभिन्न अधिकारियों के सिग्नेचर के। और आपको बता दूं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का 2023 और 24 सेशन का बजट पेश हुआ है, उस बजट में हमने एक चीज एक खास देखा कि छात्रवृत्ति को लेकर के इस बार सरकार ने क्या ऐलान किया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे 2023 और 24 सेशन के लिए है, ऐसे ही 22 और 23 सेशन का भी ऐलान लास्ट फरवरी में, हमेशा अक्सर फरवरी में बजट पेश होता है तो उसमें ऐलान हो चुका होता है, तो बजट भी अच्छा खासा है, तो आपकी स्कॉलरशिप आएंगे जरूर आएंगे, आपको वेट करना होगा, और जो भी कार्य है अंडर प्रोसेस चल रहा है वहां पे जा करके आपको पता अभी फिलहाल तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुद विश्वविद्यालय में फोन करके पता किया है और उन्होंने जो भी अभी फिलहाल जो अपडेट रहा उन्होंने दिया। इसके बाद अगर जो कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।